नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल और मैं घनश्याम चौरसिया आज आपके लिए बैगन मसाला की एक शानदार रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये हमने 300 ग्राम एकदम ताज़े बैगन ले लिए हैं और इन्हें धो लिया है और सबसे पहले हम इन्हें काटेंगे। तो हमें इन्हें इस तरीके से काट लगाना है बीच में से और पूरा पूरा नहीं काटना है। देखिए, मैं इस तरीके से इन्हें कट लगा रहा हूँ और आपको इस तरीके से इन्हें खोल करके चेक करना है कहीं अंदर से कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं, ख़राब तो नहीं हैं। तो इस तरीके से आप इन बैगनों को ऐसे काटिएगा और इनको पूरा पूरा नहीं काटना है। तो इस तरीके से आप सभी बैगनों को काट लीजिएगा और इसके बाद इन्हें काटने के साथ में आपको इन्हें पानी में डालना है ताकि ये काले नहीं हों। तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा पानी में और फिर इन्हें डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमने सभी बैगनों को अच्छे से काट लिया है और कुछ मसाले तैयार करते हैं। दो प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, अब इनका हम अलग अलग पेस्ट बनाएंगे। साथ में सबसे पहले हम ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं तो इनका हम भी पेस्ट बनाएंगे लहसुन के साथ में। और जो इन मसालों का इस्तेमाल करा है उसकी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। इसमें अदरक डाल दिया है और साथ में कुछ लहसुन की कलियाँ हैं और 10-12 लहसुन की कलियाँ हैं और साथ में इसमें ये 3 हरी मिर्च हैं। इन हरी मिर्च को भी हम काट के इसमें डाल देंगे और इनका शानदार एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये अदरक और लहसुन और खड़े गरम मसाले का एकदम हमने पेस्ट बना लिया है, ऐसे एक प्लेट में निकाल के भी रख लिया है। और अब 2 प्याज लिए हैं, इनका भी हम पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो एकदम इन्हें बारीक भी काट के रख सकते हैं, पर यदि बैगन मसाला बना रहे हैं तो आप इन्हें एकदम अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए, हम इन दोनों प्याजों को भी काट लिया है और इसका भी पेस्ट बनके तैयार हो चुका है और इसे भी हम एक प्लेट में निकाल करके रख लेते हैं। तो लीजिए, ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बन चुका है और अब हम एक टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा पका हुआ टमाटर लीजिए और इसका भी पेस्ट बना लीजिएगा। तो चलिए, इसको भी हम इसमें जार में डाल देते हैं और इसका हम बना लेंगे एकदम शानदार फाइन पेस्ट हम बनाकर रख लेंगे। तो चलिए, अब ये बन चुका पेस्ट और अब हम कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसके बाद में हम इसमें ये जो हमने बैगन काट के रखे थे उन बैगनों को डाल देना है और इन्हें अच्छे से फ्राई करना है और तब तक पका लेना है कि जब तक ये 70% तक पक जाए। तो चलिए, अच्छे से पक चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर किसी प्लेट के अंदर ताकि आप दूसरी तैयारी करें, जब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे। तो हमने एक प्लेट में निकाल करके रख लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम उसी कढ़ाई के अंदर डालते हैं जीरा, तेल तो पहले से गर्म है, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़पान हमने इसमें डाल दिया है, थोड़ी सी राई भी हम इसमें डाल देते हैं। तो चलिए, जैसे ये तड़क जाते हैं इसके बाद हम इसमें ये हमने अदरक लहसुन और खड़े गरम मसाले जो पीसे थे उनको हम डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। लगभग ये अच्छे से आधे भून जाए तब तक हमें भूनना है। फिर इसके बाद में हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा था तब तक। ये देखिए, अच्छे से भून चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। ये लीजिए, और अच्छे से इसे भी हमें भून लेना है। तो इसे चलाते रहें और अच्छे से मिला लीजिए और इसे अच्छे से भूनना है एकदम ब्राउन होने तक। देखिए दोस्तों, इसका कलर चेंज हो चुका है लगभग 5 से 6 मिनट में। और इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें डालेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके 2 बार डाल रहा हूँ। तो ये 1 चम्मच करीब मैंने डाल दिया और आधी चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और इसे 1-2 मिनट तक ऐसे ही भुनेगा, अभी पानी नहीं डालना है। इसके बाद में फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी कर डालेंगे और उन्हें भूनते जाएंगे। तो ऐसे ही आप इसे भून लीजिएगा थोड़ी देर ताकि अच्छे से भून जाए और फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में से पानी डालना है ताकि मसाले जले नहीं और सब्ज़ी का कलर भी ख़राब ना हो। तो चलिए दोस्तों, ये
पाँच से छः मिनट हो चुका है मसालों को भूनते भूनते, और मसाले लगभग अच्छे से भून चुके हैं। और अब थोड़ा सा पानी और हम इसमें डालते हैं और थोड़ी देर और हम इसे भून लेंगे। हमें तब तक भुनेंगे कि जो तेल है ये मसाले के ऊपर आना शुरू हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो लीजिए दोस्तों, ये मसाला कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारा मसाला अच्छे से ये अब भून चुका है। और चाहें तो आप इसे ढक कर के भी पका सकते हैं। तो लीजिए, मसाले ने तेल तो छोड़ना शुरू कर दिया है, साइड साइड में आपको नज़र आ ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। तो हमने एक टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, उस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। लीजिए दोस्तों, इसे भी आप अच्छे से टमाटर को भून लीजिएगा। और अब इन सभी को अच्छे से भूनना है। देखिए, अब हम डाल देते हैं नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और अब इन सभी को तब तक भूनिएगा जब तक कि मसाले के ऊपर तेल आना शुरू हो जाएगा, तब तक आप इसे भूने, क्योंकि मसाला तो लगभग हमारा भून चुका था। आपने जो टमाटर डाला है वो भी अच्छे से भून जाना चाहिए। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हम इस तरह से ढक करके इसे हम पकाएंगे थोड़ी देर में, और इसे ढक्कन भी हटाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। तो आपको ये मसाले के ऊपर अब तेल नज़र आ रहा होगा, तो हमने जो टमाटर डाले थे वो भी अच्छे से पक गए, और सभी मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल शानदार मसाले पक करके तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने जो बैंगन फ्राई करके रखे हैं उनको इसमें डालना है। और इसमें पानी हम उतना ही डालेंगे कि जिस तरह की हमें ग्रेवी पसंद है। किस तरह की ग्रेवी? तो बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं रखना है, क्योंकि मसाला बैंगन है तो मसाला बैंगन के ऊपर चिपटना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। तो लीजिए, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। एकदम हमने तवे पे गरम कर लिया था और हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया, इससे अच्छा स्वाद आएगा। लीजिए, इसको भी हमने मिला दिया है। और थोड़ा सा हम डाल देते हैं गरम मसाला, आधी चम्मच गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला है ये, तो इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, इसको चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं बैंगन, जो हमने बैंगन तल के रखे थे। तो बैंगन पूरी तरह से पके हुए नहीं थे, तो इसे हमें पकाना है। और चाहे तो थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल सकते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि कम पानी है। और इसे अब हम ढक करके मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाना है, जब तक बैंगन अच्छे से पक नहीं जाते तब तक। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे बैंगन तो बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं हरी धनिया पत्ती। और लीजिए दोस्तों, ये मसाला बैंगन बन करके तैयार हो चुकी है। तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं रखा है, ना बहुत कम, एकदम ग्रेवी मीडियम ग्रेवी है, ज़्यादा पतली भी नहीं है और ना ज़्यादा थिक है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और 2 मिनट और पकाने के बाद हम इसे करेंगे सर्व। तो लीजिए दोस्तों, अब इसे हम कर देते हैं सर्व। और यदि दोस्तों ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।